पंचकुला के भरेली रोड पर स्थित दो मकानों में पुलिस टीम ने छापेमारी कर अवैध शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली खाली बोतलें, लेबल और ड्रमों में शराब बनाने का कच्चा मटेरियल पकड़ा है। पुलिस ने एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी को साथ लेकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पंचकुला के DCP मोहित हांडा ने बताया कि इस कार्रवाई में अवैध शराब बनाने वाले लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस समय उस मकान पर रेड की गई वहां पर कोई मौजूद नहीं था, वहां पर ताला लगा हुआ था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। उन्होंने बताया कि कौन लोग इस अवैध नकली शराब के धंधे में शामिल थे उसका पता जल्द ही लगा लिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि मौके पर मिला सामान कब्जे में ले लिया गया है और वहां पर मौके वारदात पर देखने पर पता चलता था कि वहां पर नकली शराब बनाने का काम चल रहा था। पुलिस ने बताया कि पुलिस जांच में जल्द ही इसकी तह तक जाकर रहेगी और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आइए देखते हैं सुपन्यूज 24/7 पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। ये भरेली गांव है जो बरवाला से पंजाब की ओर जाते हुए भरेली गांव आता है, वहां पे ये सूचना मिली थी कि कोई अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री जो है वो चल रही है। हमने अपनी टीम्स को इसके बारे में पहले ही सचेत किया हुआ था, जैसे कि ये महामारी अलर्ट अब और पहले लॉकडाउन के दौरान जो शराब के ठेके हैं उनको वो भी इसकी सीमा में आते थे और बंद थे, तो ये अंदेशा था पूरे ज़िले में और राज्य में कि इस प्रकार के कुछ असामाजिक तत्व ये नकली शराब बनाने का कार्य कर सकते हैं। तो हमारी टीम्स भी इसके बारे में अलर्ट थी। जैसे ही हमें सूचना मिली तो हमने वहाँ पे जाके रेड की और वहाँ पे पाया कि जो शराब बनाने वाला सामान, कोई टंकी और जो बाकी उपकरण वहाँ पे होते हैं और जो रॉ मटेरियल होता है वो बरामद किया गया, जैसे कि खाली बोतलें, लेबल इत्यादि, जिससे कि ये स्पष्ट हो रहा था कि यहाँ पे नकली शराब बनाने का कार्य जो है वो चल रहा है। हमने जो सारा मटेरियल था उसको कब्जे में लिया, FIR दर्ज की है और हालांकि वहाँ पे जो व्यक्ति थे कोई उस वक्त नहीं मिला हमें, पर जो जो हमें एविडेंस मिलेगा आगे और जो अभी मटेरियल है उसके बेस पे हम इसकी तह तक जाएंगे और जो आरोपी होंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो सर किसी प्रकार से इल्लीगल जो शराब की बोतलें थी और कुछ शराब भी बरामद हुई है वहाँ से? देखिए, जो रॉ मटेरियल इसका ENA होता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो कि शराब बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज़ होता है जी, उसकी मौजूदगी वहाँ पे दो बड़े ड्रमों में ये इस ओर भी इंडिकेट करती है, इंगित करती है कि वहाँ पे इस प्रकार का काम चल रहा था और अब इसकी पूरे मामले की तह में जाके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो आरोपी हैं उन्हें पकड़।